नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका TRT न्यूज़ चैनल पे। NIOS ने अपने वेबसाइट पे असाइनमेंट 504 और 505 को अपडेट किया है। साथ ही आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेंगे और उनके कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, इसके लिए भी सैम्पल पेपर भी उन्होंने अपलोड किया है। तो आपको वह किस प्रकार से मिलेंगे, कैसे आप डाउनलोड कीजिएगा, वही बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप सिंपली अपने स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप चल जाएं www.nios.ac.in वेबसाइट पे, और जब आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो सिंपली आपको टीचर सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए वेबसाइट ओपन होने देते हैं। जैसा कि वेबसाइट ओपन हो गया, आप यहाँ पे आप नीचे में NIOS डिलेट फॉर अनट्रेंड टीचर सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टडी मटेरियल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपको असाइनमेंट एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप असाइनमेंट 501, 502, 503 देख रहे होंगे और साथ ही साथ न्यू अपडेट 504 और 505 भी देख रहे होंगे। तो बस आपको इस वेबसाइट पे इस लिंक पे क्लिक करना है सिंपली, और यह ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने लग जाएगा। साथ ही आप नीचे में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं आपको वो आप दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पल पेपर जो भी क्वेश्चन के हैं, यहाँ पे आप डेढ़ प्रोग्राम के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। देर आर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द सेक्शन, ऑल आर कंपल्सरी। यानी कि जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था क्वेश्चन का सैम्पल पेपर, तो उसमें बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अब आपको 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें कि चार आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, किसी एक पे सही लगाना होगा। उसके बाद देखिए सेक्शन बी में आपको 150 शब्दों में क्वेश्चंस लिखने हैं, और यहाँ पे तो क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे लेकिन इन सभी क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। उसके बाद सेक्शन सी में आप आइएगा तो यहाँ पे आपको 500 वर्ड में किन्हीं 2 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे, और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे स्कॉर्किंग की लास्ट में दिया गया है ABCD। इसी प्रकार से तीनों यानी 501, 502 और 503 का सैम्पल पेपर यहाँ पे दिया गया है, आप सिंपली से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल यह अंग्रेजी में ही आया हुआ है, हिंदी में इसकी कुछ भी मतलब मटेरियल नहीं आया है। फिर भी इसे एक बार प्रिंटेड मटेरियल में जाके मैं चेक कर लेता हूँ कहीं हिंदी में भी कुछ आया हुआ हो। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो लैंग्वेज चूज कर लीजिए सिंपली। 501, 502, 503, 504, 506 यहाँ पे ये जितने भी हैं कोर्सेज के बुक हैं, और हिंदी माध्यम में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 506 तक के कोर्सेज बुक यहाँ पे शो हो रहे हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 पर। अभी इसमें हिंदी का कोई भी ऑप्शन में सत्रीयकार नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए जैसा ही अगर यह हिंदी में भी आता है तो मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा, अन्यथा आप इसे चाहे तो सिंपली गूगल ट्रांसलेट की मदद से ट्रांसलेट करके सिंपली समझ पा रहे होंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में व्यस्त था, उसमें ड्यूटी लग गई थी मेरी, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब आज से अपडेट रहूँगा आप लोग के पास रोज़ाना कुछ ना कुछ नया वीडियो लेके।